करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ताकि WTO का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है, WTO के बारे में कुछ बताओ। फिर हॉबीज़ के बारे में पूछा, और हॉबीज़ मेरी पोइट्री राइटिंग थी, तो पोइट्री राइटिंग में काफ़ी पूछा। अच्छा ठीक, कितनी देर इंटरव्यू चला? आधा घंटा 35 मिनट के अराउंड। तो क्या क्या पूछा गया बताएंगे थोड़ा? डेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो बीकानेर से, राजस्थान से मेरे ऑप्शनल से केमिस्ट्री से। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो आज UPSC का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, और मैं एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो भी लोग इंटरव्यू दे के आएंगे उसको। तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक देखें। और UPSC का इंटरव्यू चल रहा था, हमारे साथ एक कैंडिडेट अभी निकले हैं, इनसे हम बात करने वाले हैं। तो हो गया आपका इंटरव्यू? जी। तो कैसा इंटरव्यू रहा? काफ़ी सही था, मतलब जितना मॉक में देखा था उससे तो बेटर ही हुआ। अच्छा, तो कितनी देर आपकी इंटरव्यू चली? अबाउट हाफ एन आवर। आधा घंटा चला। तो मतलब बताइए कि मतलब क्या क्या प्रश्न वगैरह पूछा गया, कुछ बता सकते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में ही पूछा कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, फिर वाई डिड यू चूज दिस ऑप्शनल, मेरा जॉग्राफी ऑप्शनल था तो क्यों लिया, इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं लिया। उसके बाद फिर IR के क्वेश्चन पूछे कि चाइना बढ़ रहा है तो उसको कैसे टैकल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था कि WTO का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है, WTO के बारे में कुछ बताओ। फिर हॉबीज़ के बारे में पूछा, और हॉबीज़ मेरी पोइट्री राइटिंग थी, तो पोइट्री राइटिंग में काफ़ी पूछा, 5-6 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक दूसरी हॉबी के बारे में पूछा, फिर मेरे से जनरल क्वेश्चन पूछना चालू किया उन्होंने। GS के क्वेश्चन था नॉर्मल, वही ज्योग्राफी के, एक तो GPS क्या है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के क्या करते हैं। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। फिर वही व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाई शुड बी सेलेक्टिव, ये जनरल क्वेश्चन। फिर लास्ट में सर ने ये पूछा कि वर्ल्ड नेशनल वोटर्स डे कब होता है, वो मेरे को नहीं आता था तो ख़त्म हो गया वहीं पर। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जो लोग मतलब देख रहे हैं, बहुत से लोग जो लोग मतलब प्री, बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते UPSC के, क्या कारण होते हैं इनके? मेरे ख्याल से लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पेपर्स, मोस्टली लोग 5-6 पेपर ही लगा चले जाते हैं। आई गेस जो भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो 40-50 पेपर्स लगाएं तो बेटर होगा। अच्छा, ज़्यादा प्रैक्टिस से सही रहता है। प्री के लिए बताएंगे कुछ मतलब कि क्या क्या पढ़ा जाए, बेसिक क्या? प्री में तो स्टैटिक कवर कर लो, डायनेमिक भी कवर कर लो न्यूज़पेपर से, एनवायरनमेंट पे फोकस ज़्यादा रखना है। इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हमेशा वही रहता है। करंट वगैरह के लिए मतलब आपने क्या किया था, जैसे द हिंदू के नोट्स? अच्छा। बस, और द विजन की वो 365 आती है PT, वो पढ़ लेना बस। अच्छा, आपका मतलब कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा ये सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले बार भी प्री मतलब आप क्वालिफाई किए? नहीं, पिछले बार प्री भी नहीं हुआ था। अच्छा, इस बार आप इंटरव्यू तक आ गए। तो क्या लग रहा है आपको, कितना संभावना लग रहा है? मतलब मेरे ख्याल से मेरे मार्क्स से तो बेटर हुआ इंटरव्यू, तो आई गेस मार्क्स तो अच्छा नहीं चाहिए, होपफुल हैं, हो जाना चाहिए शायद। और सर, आप आए कहाँ से? कानपुर से UP है ना। और कोचिंग वगैरह की थी किसी के लिए? नहीं। हाँ, बाजीराम से। तो नए लोग मतलब जो पहली बार मतलब UPSC देंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई करो और जम के पढ़ाई करो। ऑप्शनल के बारे में थोड़ा आप बताएंगे, ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था। अच्छा। तो बेसिकली मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि वो GS से ओवरलैप होता है, तो कुछ फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में वही चूज़ करना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो UPSC का इंटरव्यू चल रहा था, एक कैंडिडेट का मैंने पहले ही लिया था, एक और कैंडिडेट आया है, इनसे बात करने वाला है। तो कैसा इंटरव्यू रहा? अच्छा ठीक, कितनी देर इंटरव्यू चला? आधा घंटा 35 मिनट के अराउंड। तो क्या क्या पूछा गया बताएंगे थोड़ा? डेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो बीकानेर से, राजस्थान से मेरे ऑप्शनल से केमिस्ट्री से रिलेटेड, और मेरी केमिस्ट्री ऑप्शनल थे। यस, साइंस। हाँ, और बैकग्राउंड से मतलब BTech से रिलेटेड, प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यही क्वेश्चन पूछे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? तीसरा अटेम्प्ट था। मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश मीडियम है। तो मतलब कोचिंग वगैरह कर लिए थे आप? कितने बार कोचिंग कॉलेज के टाइम किए थे एक बार, फिर खुद सेल्फ स्टडी किया। तो बताएंगे लोगों के लिए जो लोग मतलब प्री वगैरह नहीं क्वालिफाई करते, उनको कैसे करें, क्या करें, बताइए थोड़ा सा।
प्री के लिए लिमिटेड सोर्सेज, रिवीजन और मॉक पेपर्स लगाओ। एक इंट्यूटिवनेस नाम की चीज़ होती है कि इंट्यूटिव गेस होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें 50-50% पे आके अटक जाती है, तो जितने मॉक पेपर्स लगाएंगे उतने टाइप के क्वेश्चन का पता चलेगा और चीज़ें भी आंसर कर सकते हैं सही से। जैसे प्री के कुछ एक ऐसे बुक वगैरह जीएस के बता सकते हैं वो बुक्स कॉमनली जो नॉन बुक्स है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न स्पेक्ट्रा, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, और ये सभी कॉमन बुक्स। तो करंट वगैरह के लिए क्या किया जाए? करंट अवेयर के लिए कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो जनरल थिंकिंग के लिए, तो और प्री प्रिपरेशन के लिए या पॉइंट्स को नोट करने के लिए एक कोचिंग का, कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा लो और उसी को पढ़ो बार बार बस। तो ऑप्शनल के बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे चयन करना चाहिए? आपने जैसे साइंस ले लिया, ऑप्शनल मेरा है तो केमिस्ट्री लेने का, क्योंकि मैं उससे काफ़ी अवेयर था, क्योंकि वो मैं इंजीनियर रहा हूँ तो जेई के टाइम मैंने प्रिपेयर किया था। और उसके अलावा आईटीएन भी है। हाँ अच्छा, तो उसके अलावा स्कोरिंग होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए थोड़ा, और तुमको थोड़ा मज़ा आना चाहिए वो करने में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे साथ रह सकता है। ठीक है, एंड करते हैं ना। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे साथ एक स्टूडेंट थे जिनका भी इंटरव्यू हुआ था, बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।